मित्रों, यह कविता का रचयिता है प्रयाग शुक्ल। हम प्रयाग शुक्ल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। मित्रों, यह तो प्रयाग शुक्ल के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। अभी वो कविता में हमें क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम धम्मक धम्मक आता हाथी काव्य गान करेंगे। आप सबको भी मेरे साथ यह काव्य गान करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, अपनी सूंड गुलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक चल जाता हाथी। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्यक्रम किया। शब्दार्थ। बच्चों, यहाँ पे जो शब्दार्थ हमें जानने हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहले धम्मक। धम्मक का अर्थ होता है जोश, तेज। उसके बाद पानी। आप सबको तो पता ही है जल ही जीवन है, तो पानी यानी जल, नीर और सलील, उसको इस 3 नाम से भी जाना जाता है। आखिर में हाथी। हम सब हाथी को तो पहचानते ही है। हाथी का दूसरा नाम गज भी है। अभ्यास। प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। बच्चों, आपने कविता तो सुनी, ठीक है, लेकिन उसका गान आपको अभिनय के साथ करना है, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। जैसे कि रोना। आप सबको तो भी रोना आता ही होगा ना, तो चलो आप सबको अभिनय करना है। उसके बाद हंसना। पटाखे छोड़ना। कपड़े धोना। शायद इसमें आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम कपड़े तो धोते नहीं, फिर भी उसका अभिनय तो कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप सबको इस अभिनय करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अब प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए। उठाना।
गिराना, बच्चों हम कुछ उठा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? गिराना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। आना तो जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। ब, ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। बच्चों आपको लगता होगा कि ये विलोम शब्द क्या है, तो विरुद्धार्थी शब्द को हम विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण देख लीजिए। गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमने उठाना और गिराना ये दोनों विलोम शब्द देखे थे, विरुद्धार्थी। ठीक है, तो हमने उठाना उस पर एक वाक्य लिखा कि गिरे हुए को उठाना चाहिए, तो उसका विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द है गिराना, तो हम गिराना पे भी एक वाक्य लिखेंगे। जैसे कि हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि आना, हम स्कूल में आना चाहते हैं, और जाना, हम घर जाना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो आगे के तीन शब्द आपको इसी तरह से वाक्य बनाते हुए लिखना है।